धातु पोषण न्याय। धातु का मतलब होता है टिश्यू, पोषण का मतलब नरिशमेंट और न्याय का मतलब थ्योरीज और लॉज। तो टिश्यू, नरिशमेंट, थ्योरीज। टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने जो खाना खाया, खाने में क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, हमने खा लिए, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। खाना जो है लिक्विड फॉर्म में, जो न्यूट्रिएंट्स हैं लिक्विड फॉर्म में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि वो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ उसको आयुर्वेद में बोलते हैं आहार रस, और मॉडर्न में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग तरह के टिश्यूज के पास जाते हैं और वही सेम न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरह के टिश्यूज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, वही जो आहार रस है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्रेन सेल्स के पास गए तो ब्रेन सेल्स बनेंगे, मसल सेल्स के पास गए तो मसल सेल्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गए तो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे कि आपका स्पर्म सेल्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर वो बोन्स के अंदर गए तो बोन सेल्स बनेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि वही आहार रस अलग अलग टिश्यूज के अंदर, अलग अलग सेल्स के अंदर जा रहा है और अलग अलग तरह के सेल्स बन रहे हैं उससे। तो आयुर्वेद में इसके लिए कई थ्योरीज दी गई हैं कि इन थ्योरीज के आधार पर वही सेम आहार रस जो है अलग अलग तरह के टिश्यूज बनाता है। तो पोषण मींस नरिशमेंट, मैं बता चुका हूँ आपको। नरिशमेंट ऑफ धातु आफ्टर बर्थ डिपेंड्स ऑन फूड दैट वी इनटेक। हम जो खाना खाते हैं उसके ऊपर जो है इन टिश्यूज का नरिशमेंट डिपेंड करता है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ईट फूड फॉर फ्लोइंग रीजन्स। बेसिकली तीन रीजन्स के लिए हमें फूड खाना पड़ता है। पहला है कि जो धातुज हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए, उनको नरिश करने के लिए। दूसरा, धातुज जो डेली वियर एंड टीयर हो रही हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और जो डैमेज हो चुकी हैं उनकी जगह नई धातुज बनाने के लिए, मतलब नए टिश्यूज, नए सेल्स बनाने के लिए। सभी धातु जैसे कि रस धातु, रक्त धातु एटसेट्रा आर फॉर्म्ड इन गर्भा, कि हमारी जो सभी धातु हैं बेसिकली जब इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है प्रेगनेंसी के दौरान ही बन जाती हैं। जैसे उसी दौरान हमारी बोन्स भी बन जाती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हर तरह के सेल्स और टिश्यूज उसी दौरान बन जाते हैं। तो आफ्टर बर्थ जो है बेसिकली इन्हीं बने हुए टिश्यूज को नरिश करना होता है और रिप्लेनिश करना होता है। इसलिए वर्ड यूज किया गया है धातु पोषण, धातु फॉर्मेशन, मतलब टिश्यू फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, टिश्यू नरिशमेंट वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि मेन मेजर जो वर्क है फूड का वो है टिश्यू नरिशमेंट करना। तो डेफिनेशन क्या है? थ्योरीज विच एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम आहार रसा आर कॉल्ड एज धातु पोषणा। मतलब ऐसी थ्योरीज जो टिश्यूज की सिंथेसिस और नरिशमेंट के बारे में बताएं उसको हम धातु पोषण कहते हैं। इसमें नोट क्या दिया गया है कि आयुर्वेद के जो मेन ग्रंथ हैं चरक और सुश्रुत, तो चरक और सुश्रुताचार्यों ने इन थ्योरीज का वर्णन नहीं किया, उनके जो कमेंटेटर हैं जैसे चक्रपाणी और डलहन, उन्होंने इन थ्योरीज के बारे में बताया है। तो बेसिकली चार थ्योरीज आयुर्वेद में बताई गई हैं। पहली थ्योरी का नाम है शिरदधि न्याय, जिसको हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। दूसरा है केदारी कुल्या न्याय, जिसको हम लॉ ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। थर्ड है खले कपोत न्याय, से लॉ ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। एंड फोर्थ इज एक काल धातु पोषण सिद्धांत। तो अब ये क्या थ्योरीज हैं? पहली है शिरदधि न्याय। हमारे आयुर्वेद में एक खासियत है कि जितने भी सिद्धांत हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स यूज किए गए हैं ताकि बात को अच्छे से समझाया जा सके। तो ये जो थ्योरी है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है। शीर का मतलब होता है दूध और दधि का मतलब होता है दही, जिसको हम इंग्लिश में कर्ड या योगर्ट बोलते हैं। तो ये न्याय कहता है कि जैसे दूध से दही बन जाता है, अब दूध के गुण अलग हैं, दूध जो है स्वीट होता है, दूध जो है लिक्विड होता है, जबकि दही क्या है, दही खट्टी होती है, दही सेमी सॉलिड होती है, तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आहार रस जो है अलग अलग तरह से के टिश्यूज में कन्वर्ट होता है।
अभी आगे क्या कहता है, जैसे दही बटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाती है और बटर में कन्वर्ट हो जाती है और बटर आगे चल के घी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही आहार रस जो है अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब ये क्या कहता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ इसमें दो डिफरेंट मत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 7 दिनों में ये सारी धातु जो है नरिश हो जाती हैं शुक्र धातु तक, कुछ कहते हैं कि नहीं 7 दिन नहीं 30 दिन लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रीजंस दिए कि नहीं ये न्याय गलत है, ये थ्योरी गलत है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्या है वो? पहला तो ये है कि द होल रस धातु इज कन्वर्टेड इंटू रक्ता एंड द एंटायर रक्ता इंटू मासा एंड सो ऑन अप टू शुक्र धातु बाय 7 to 30 days। क्या कहता है कि जैसा हमने देखा कि दूध जो है पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो गया, दही पूरी की पूरी जो है बटर में कन्वर्ट हो गई, बटर जो है पूरा का पूरा घी में कन्वर्ट हो गया। अगर उसको हम समझें तो उसके अनुसार रस धातु जो है वो पूरी की पूरी रक्त धातु में कन्वर्ट हो जाएगी, रक्त जो है मांस में कन्वर्ट हो जाएगा और मांस जो है शुक्र में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे चल मतलब फर्दर धातु में कन्वर्ट होता चला जाएगा और एंड में शुक्र धातु बनेगी। तो अगर कोई इंसान 7 या 30 दिन हम मान कर चलें 30 दिन तक फास्ट करेगा तो उसकी तो सभी धातु खत्म हो जाएंगी या उसके अंदर सिर्फ शुक्र धातु बनेगी जिसको हम शुक्र में पुरुष कह सकते हैं, या वो इंसान मर जाएगा 30 दिन भूखा रह के। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया जाता। इफ रस धातु इज डिफेक्टिव, तीसरा रीजन क्या कह रहा है कि रस धातु अगर डिफेक्टेड है, अगर एक धातु डिफेक्टेड है, अगर दूध में कमी है तो दही में भी कमी होगी और उसके बटर में भी कमी होगी और उसके घी में भी कमी होगी। इसी तरह अगर रस धातु में कोई कमी है तो वो कमी शुक्र धातु तक भी पाई जाएगी। नेक्स्ट रिजेक्शन रीजन है कि अगर एक धातु की वृद्धि हो रही है तो अगली धातु की भी वृद्धि होगी। जैसे एबनॉर्मली रस धातु मतलब प्लाज्मा बढ़ गया है, प्लाज्मा बढ़ेगा तो ब्लड भी बढ़ेगा और ब्लड बढ़ेगा आगे चलकर मांस धातु भी बढ़ेगी, आपकी मेद धातु भी बढ़ेगी और आगे शुक्र भी बढ़ेगा, मतलब हर एक में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता, डिफेक्ट जो है किसी एक चीज़ में भी हो सकता है। जैसे ओनली RBCs भी इंक्रीज हो सकते हैं जिसको हम रक्त धातु बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा नॉर्मल है, मसल्स नॉर्मल है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू नॉर्मल है, नर्वस टिश्यू नॉर्मल है, सिर्फ RBCs बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इस लॉ को नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट रीजन बताता है कि दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ सर्टेन एफोडेसियाक एंटीटॉक्सिक एंड रसायन द्रव्याज। हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक सेल पे जाके एक्ट करती हैं, लेकिन अगर इस न्याय को हम माने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो मेडिसिन पहले रस पे जाएगी, फिर रक्त पे जाएगी, फिर मांस पे जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। और अगला रीजन ये बताता है कि जो दूध है उसको वृष्य माना गया है, मतलब जो दूध है वो डायरेक्टली जाके शुक्र पे एक्ट करता है और शुक्र धातु को बढ़ाता है। तो हमारे यहाँ पर चलन है कि जब फर्स्ट नाइट होती है आफ्टर मैरिज तो दूध पिलाया जाता है मेल को, क्यों? क्योंकि उसका जो शुक्र धातु बढ़े, ठीक है। तो ये माना जाता है कि दूध से डायरेक्टली शुक्र धातु बढ़ती है, वो शुक्र धातु पे जाके एक्ट करता है। लेकिन इस थ्योरी को माने तो ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि दूध जो है पहले एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड को नरिश करेगा, उसके बाद मांस को नरिश करेगा और शुक्र तक जाते जाते उसको 7 से 30 दिन लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसलिए इस थ्योरी को पूरा का पूरा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ रीजन्स हैं इसको एक्सेप्ट करने के। वो रीजन क्या है? पहला रीजन है कि फॉर्मेशन ऑफ धातुज टेक्स प्लेस सीरियली जस्ट एज मिल्क इज सीरियली ट्रांसफॉर्म इनटू कर्ड बटर एंड घी। क्या कहता है कि सीरीज वाइज जैसे पहले दूध से दही बनेगा, फिर बटर बनेगा, फिर घी बनेगा, उसी तरह से ये कह रहा है कि पहले आहार रस से रस धातु बनेगी, फिर रक्त धातु बनेगी, फिर मांस धातु बनेगी और ऐसे ऐसे चल के एंड में शुक्र धातु बनेगी। दूसरा रीजन ये बताता है कि द धातुज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स,
स्थूलांश, सूक्ष्मांश एंड मलांश ड्यूरिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहता है कि धातु तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं, कि आहार रस गया रस धातु के पास, उससे क्या है एक स्थूल अंश मेन रस धातु बनी और एक सूक्ष्म अंश बना, वो जो सूक्ष्म अंश है वो नेक्स्ट धातु के पास जाएगा, और एक मलांश बना। मतलब आपको और सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे सेल्फ के बाद न्यूट्रिशन जाता है, न्यूट्रिशन सेल्फ एब्जॉर्ब करता है, सेल्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो अपना नरिशमेंट करता है, एनर्जी बनाता है, अपनी तरह के दूसरे सेल्स की अगर जरूरत होती है तो वो बनाता है, और उस दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिसको हम मल कह रहे हैं आयुर्वेद में, तो वेस्ट प्रोडक्ट बना, वेस्ट प्रोडक्ट भी बना। दूसरा कह रहा है कि एक सूक्ष्म अंश मतलब कुछ पार्ट बच जाता है, वो आगे चलकर नेक्स्ट धातु का निर्माण करता है। दज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ धातु। इसलिए कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि रस से पूरा का पूरा रक्त में ट्रांसफॉर्म हुआ, जो सूक्ष्म अंश है वही गया। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर आहार रस बना अनरस, ठीक है, अनरस जो है रस धातुअग्नि के पास गया। रस धातुअग्नि क्या होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे। उससे क्या है स्थूल रस धातु बनी और उसका मल बन गया, और उसका सूक्ष्म अंश जो है वो आगे चल के रक्त धातु बनाएगा। ऐसे ही रक्त धातु का एक स्थूल अंश बना, एक सूक्ष्म अंश बना, सूक्ष्म अंश जो आगे जाके मांस धातु बनाएगा, और यहाँ पर मांस धातु में सूक्ष्म अंश जो है आगे जाके मेद धातु बनाएगा, और इस तरह से शुक्र धातु तक बनती चली जाएंगी। अब दूसरा न्याय है केदारी कुल्या न्याय, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। जो पिछला न्याय हमने पढ़ा उसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गई, दूध दही में ट्रांसफॉर्म हो गया था, ठीक है। अब ये है ट्रांसमिशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ पहुंचाना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। केदारी का मतलब है फार्म, कुल्या मीन्स वाटर कैनाल्स। अब केदारी का मतलब है खेत, ठीक है। अब जैसे खेत को पानी दिया जाता है, उस तरह से ये कह रहे हैं कि आहार रस हर एक टिश्यूज तक पहुंचता है। कैसे, यहाँ पर हमने दिखाया कि एक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स से पानी दिया जा रहा है, और खेत के अंदर ये अलग अलग तरह की क्यारीज बनाई जाती हैं जिसको हम कैनाल्स बोल सकते हैं, ठीक है, और इन क्यारीज के द्वारा जो है पूरे खेत में पानी चला जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो वाटर पंप है इसको हम वाटर एंटर्स इंटू डिफरेंट वाटर कैनाल्स एंड वाटर इज सर्कुलेटेड इन ऑल कैनाल्स सो दैट एवरी क्रॉप कैन रिसीव न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या है पोर्शन ऑफ फार्म, अब क्या है जो पोर्शन नज़दीक होगा उसे पहले पानी मिलेगा और जो दूर होगा उसे पानी बाद में मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केदारी कुल्या न्याय फार्म वाटर कैनल्स एंड वाटर पम्प्स आर सिम्बल ऑफ ह्यूमन बॉडी। द फार्म जो हम हमने खेत बोला है, खेत को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं, और जो वाटर कैनल्स बोली हैं उसको हम ब्लड वेसल से कंपेयर कर सकते हैं, और वाटर पंप जो है उसको हम हर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। देखें ये एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा खेत का हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को समझाने के लिए। अब क्या है हर्ट जो है वाटर पंप, यहाँ से आहार रस पंप होता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा सर्कुलेट होता है, और जो बॉडी का टिश्यू नज़दीक है हर्ट से उसे पहले नरिशमेंट मिलेगा। अब इंटेस्टाइन से जैसे ही खाना अब्जॉर्ब हुआ तो कहाँ गया ब्लड के अंदर गया, तो इसलिए सबसे पहले नरिशमेंट किसको मिलेगा रस धातु को और रक्त धातु को, ठीक है, कि ब्लड के सेल्स को जो नरिशमेंट चाहिए वो ले लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ है वो आगे जाके मांस धातु को, मेद धातु को, मसल्स को, फैटी टिश्यू को, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को, नर्वस टिश्यू को पहुंचाएंगे। अब इसको एक्सेप्ट करने के क्या रीजंस हैं, पहला तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है सीक्वेंस ऑफ धातु पोषणा, कि किस सीक्वेंस से धातु पोषण हो रहा है, कि आहार रस से रस धातु बनी, रक्त धातु बनी, मांस धातु बनी, ऐसे ही मेद धातु बनी। दूसरा इट डिस्क्राइब्स आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी। अब क्या कहता है कि जैसे मॉडर्न में हमें कंसेप्ट है कि फूड जो है इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर लीवर से होता हुआ हर्ट में गया और हर्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी के सेल्स तक इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, इसी तरह से ये न्याय भी इसी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताता है।
तीसरा कह रहा है कि दिस लॉ ऑल्सो इंडिकेट्स दैट रस धातु इज नरिश्ड अर्लियर देन मास एज इट इज नियरर टू कैनाल एंड मास धातु इज फार्दर अवे। कहता है कि इससे सिद्ध होता है कि पहले रस और रक्त धातु नरिश होंगी क्योंकि वो नज़दीक है जहां से फूड आ रहा है। फोर्थ पॉइंट इज बाय दिस लॉ एक्शन ऑफ मिल्क ऑन शुक्र कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो जो लास्ट मैंने बताया कि दूध जो है शुक्र धातु पे डायरेक्टली एक्ट करता है, तो वो भी इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जैसे ही हमने दूध लिया वो धीरे धीरे पहुँचता पहुँचता जो है शुक्र धातु तक पहुँच जाता है। ऑल्सो इट इज क्लियर दैट मेधा वृद्धि कैन नॉट नेसेसरली कॉज अस्थि वृद्धि। जैसा लास्ट लाभ में हमें दिक्कत आ रही थी कि अगर रस धातु अगर प्लाज्मा बढ़ गया तो आरबीसी भी बढ़ेंगे, आरबीसी बढ़ गए तो मसल फाइबर्स भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये लो यही कहता है कि ऐसा नहीं है कि एक अगर टिश्यू बढ़ा तो दूसरा टिश्यू भी बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट कहता है कि व्हेन ऑल धातुज आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल धातुज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू केदारी कुल्य न्याय। ठीक है कि अगर सभी धातु जो हैं नॉर्मली फॉर्म हो रही हैं एक बराबर ढंग से तो वो पूरी प्रॉपर नॉर्मल वे से ही फॉर्म होती रहेंगी। तो इसको समझने के लिए डायग्राम है क्या कि आहार रस बना, आहार रस से ये देखो ये क्यारियाँ बनी हुई हैं अलग अलग। ठीक है तो आहार रस से सबसे नज़दीक क्यारी है रसाश्य रस, रस धातु बनेगी फिर रक्त बनेगी मांस बनेगी मेद बनेगी अस्थि बनेगी मज्जा बनेगी और शुक्र धातु बनेगी। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट धातु बनती चली जाएंगी, जो आहार रस है धीरे धीरे सभी तक पहुंचता चला जाएगा। ठीक है और जो धातु नज़दीक है वहां पहले पहुंचेगा, जो दूर है वहां लेट पहुंचेगा। नेक्स्ट है खले कपोत न्याय लॉ ऑफ सिलेक्शन। ठीक है खले मीन्स खलियान, खले मीन्स ऑल्सो खेत। ठीक है यहाँ पे भी हम खेत की बात कर रहे हैं और कपोत मीन्स पीजियन कबूतर जिसको हम बर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है अब ये कहता है कि एक खेत में हमने बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरह के बीज रख दिए और कबूतर आते हैं और जिस कबूतर को जितने खाने की जरूरत होती है वो उतना खाता है और वापस चला जाता है और जिस कबूतर का जो नेस्ट है नज़दीक है वो पहले घर पहुंचेगा, जिस कबूतर का नेस्ट दूर है वो लेट घर पहुंचेगा। तो जैसे अलग अलग तरह के बीज हमने स्प्रेड किए और उनके ऊपर कबूतर आके बैठे, जिसको जो बीज पसंद है और जितना पसंद है वो उतना खाएगा और खाकर उड़ जाएगा, उसी तरह से जिस टिश्यू में जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ वो टिश्यू ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल RBCs बनाने के लिए अगर विटामिन B12 ज़रूरी है तो वो ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ विटामिन B12 ले लेगा। ऐसे ही अगर मसल फाइबर्स बनाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो न्यूट्रिशन जो है ब्लड से ले लिया जाएगा। जैसे फैट टिश्यू बनाने के लिए फैटी एसिड चाहिए तो फैटी एसिड जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होगा वो फैटी टिश्यू ले लेगा। इस तरह से जिस टिश्यू को जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रिएंट ब्लड से ले लिया जाता है। तो इस तरह से इसको हम लॉ ऑफ सिलेक्शन कहते हैं कि टिश्यू को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ सिलेक्ट कर लेता है। इसको एक्सेप्ट करने के क्या रीजंस हैं? बाय दिस लॉ एक्शन ऑफ मिल्क ऑन शुक्र धातु कैन बी एक्सप्लेन्ड। इस लॉ के द्वारा भी जो है हम शुक्र धातु पे कैसे मिल्क एक्ट करता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मिल्क जो है आगे की धातुओं ने नहीं लिया क्योंकि उस वक्त उनको ज़रूरत नहीं थी और वो शुक्र धातु तक गया और शुक्र ने वो मिल्क के न्यूट्रिएंट्स ले लिए। ठीक है सेकेंड इज ऑल्सो इट इज क्लियर दैट मेधा वृद्धि कैन नॉट नेसेसरली कॉज अस्थि वृद्धि। मतलब एक धातु की वृद्धि एक टिश्यू की वृद्धि दूसरे टिश्यू की वृद्धि करेगा, ऐसा नहीं होता, ये भी इस लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वाशिएटेड रस धातु शुड लीड टू वाशिएटेड धातुज। क्या कहता है कि अगर रस धातु में या रक्त धातु में कोई कमी आती है तो ऐसा नहीं है कि बाकी धातु बाकी टिश्यूज में भी कमी आएगी, ये भी इस लॉ के द्वारा समझाया जा सकता है। फाइनल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड इन खले कपोत न्याय। फॉर एग्जाम्पल हंग्री बर्ड्स स्टॉप ईटिंग ग्रेन्स वेन एवर दे फील सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड। सिमिलरली एवरी धातु कैन आइडेंटिफाई इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
देखिए, जितनी जिस धातु को जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी को वो आगे जाने देगी। जैसे बर्ड को जितनी भूख है वो उतना ही खाना खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। खले कपोत न्याय का डायग्राम है ये, कि आहार रस जो है रस धातु में गया तो रस धातु बनी, रक्त की तरफ गया रक्त धातु बन गई, इसी तरह से शुक्र धातु बनती चली गई। अब लास्ट न्याय है एक काल धातु पोषण न्याय। एक काल मीन्स एक ही टाइम में सभी तरह के टिश्यूज की नरिशमेंट होना। इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, ये स्प्रिंकल्स हैं। आपने कई बार पार्क में या खेत में देखे होंगे स्प्रिंकल्स, फुवारे टाइप लगे हुए होते हैं, और इससे क्या है कि पानी एकदम से ही पूरे के पूरे खेत में लग जाता है, मतलब एक ही टाइम में नरिशमेंट होना। दिस प्रिंसिपल वाज सेड बाय आचार्य अरुण दत्त, जो अष्टांग हृदय के कमेंटेटर हैं आचार्य अरुण दत्त, उन्होंने ये प्रिंसिपल बताया था। विद द हेल्प ऑफ व्यान वायु, व्यान वायु क्या करती है, हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, ठीक है। तो उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेट होगा जिससे सभी धातुओं के पास एट ए टाइम ही जो है वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे और धातु नरिशमेंट हो जाएगा। ये लो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। अब अलग अलग थ्योरीज हमने पढ़ी, उसकी मेरिट्स भी पढ़ी, डीमेरिट्स भी पढ़ी। तब इन थ्योरीज को हम अगर एक ही जगह पर रख के देखें तो हमें क्या समझ में आता है, कि शीर्षदधि जो न्याय है उससे हमें ये समझ में आता है कि कैसे आहार रस से अलग अलग तरह के टिश्यूज, अलग अलग तरह के सेल्स बन सकते हैं। जैसे दूध से बिल्कुल अलग तरह की दही बनती है, दही से बिल्कुल अलग तरह का बटर बनता है, और बटर से बिल्कुल अलग तरह का घी बनता है, ऐसे ही आहार रस से अलग अलग तरह के टिश्यूज बनते हैं। सेकेंड है कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ आहार रस एंड इट्स सर्कुलेशन इज वेल एक्सप्लेन्ड इन केदारी कुल्या न्याय। मतलब केदारी कुल्या न्याय से हमें समझ में आता है कि इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं और पूरी बॉडी में पहुंचाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है खले कपोत न्याय इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑन न्यूट्रिएंट। ठीक है, कि अलग अलग तरह का टिश्यू जो है अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की चाहत रखता है, और वो अलग तरह का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड से अब्जॉर्ब कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, लॉ ऑफ सिलेक्शन, ये हमें खले कपोत न्याय से समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बॉडी हैज टेंडेंसी टू मेंटेन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एवरी मैकेनिज्म ऑफ धातु विच कैन बी कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन ऑफ एवरी धातु। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, हेमोस्टेसिस बना के रखती है, मतलब जौन सा टिश्यू जितना चाहिए उतना ही बना के रखती है, ज़्यादा नहीं बनाएगी कम नहीं बनाएगी। तो ये ऑटो रेगुलेशन जो है वो भी हमें इस लॉ से समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है खले कपोत न्याय ऑल्सो एक्सप्लेन्स ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म। ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। अभी क्या कहता है कि रेस्टिंग पोजीशन रिक्वायरमेंट, अगर कोई धातु रेस्टिंग पोजीशन पे है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की कम जरूरत होगी, और अगर कोई धातु ज़्यादा काम कर रही है तो उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल मसल्स में हमने एडेप्टेबिलिटी पढ़ी थी, कि अगर मसल टिश्यू को हम ज़्यादा यूज करेंगे तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब जो आप खाना खाएंगे वो एब्जॉर्ब होगा। तो मसल से हमने ज़्यादा काम लिया है तो मसल्स उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे उसकी ग्रोथ में हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जिस धातु की, जिस टिश्यू की, जिस चीज़ की शरीर में कमी है, हमें उस चीज़ को खाने की इच्छा होने लगती है। ठीक है, जैसे अगर ब्लड की कमी है और ब्लड अगर खट्टी चीज़ों से बनता है तो हमें खट्टी चीज़ खाने की इच्छा होने लगेगी। जो बच्चे हैं उनमें अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो वो मिट्टी खाने लगते हैं, मिट्टी में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो वो आयरन की भूख के कारण मिट्टी खाने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस चीज़ की कमी होती है वही चीज़ जो है हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इच्छा करने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ रस धातु इमीडिएटली इंक्रीजेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। अब हम पानी पीते हैं, पानी डायरेक्टली जो है प्लाज्मा में अब्जॉर्ब हो जाएगा जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है खले कपोत न्याय से हम सिद्ध कर सकते हैं कि सबसे पहले जो क्यारी है वो रस धातु की है, इसलिए रस धातु इंक्रीज हो जाएगी। अब
मॉडर्न और आयुर्वेदिक व्यू को हम देखें तो क्या सिमिलैरिटीज हैं। पहली सिमिलैरिटी ये है कि बोथ साइंसेज एग्री दैट बॉडी नीड्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है फंक्शनिंग के लिए और नरिशमेंट के लिए। दोनों ही साइंसेज कहती हैं कि जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है और फिर ब्लड से सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दोनों ही साइंस कहती हैं कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो बनता है उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या आहार रस बोलते हैं। दोनों ही साइंस ये कहती हैं कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो आगे फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मॉडर्न साइंस कहती है कि आहार जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीवर में जाएंगे, वहाँ फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके बाद हर एक सेल में जाएंगे, वहाँ जाकर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हर एक सेल के अंदर जो है लाइसोजाइम होते हैं, हमने सेलुलर सिस्टम में पढ़े हैं। वो लाइसोजाइम क्या करते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स आए हैं उसको फर्दर डाइजेस्ट करते हैं और सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वो बनाते हैं। तो उस लाइसोजाइम को, उस एंजाइम्स को हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं, उस इनको हम बोलते हैं धातुअग्नियाँ, ठीक है। एक धातु अग्नि मतलब धातु के अंदर कोई टिश्यूज के अंदर ऐसी अग्नि जो इनको नरिशमेंट करती है, जो जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं इनको ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है। लास्ट है, दोनों ही साइंसेज ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन को भी मानती हैं कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। अब दोनों साइंसेज में डिफ्रेंसेज क्या हैं। आयुर्वेद कहता है कि फूड जो है अग्नि पाचक पित्त के द्वारा पचाया जाता है, और मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि फूड जो है एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब आयुर्वेद में जो हम बताते हैं कि स्टमक के अंदर पाचक पित्त होता है, पाचक पित्त हम HCl को भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं खाना पचाने में हेल्प करते हैं, इन सब को आयुर्वेद में पाचक पित्त की संज्ञा दी गई है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ एवरी धातु आर फॉर्म्ड फ्रॉम फूड। हर एक टिश्यूज का जो न्यूट्रिएंट टिश्यू जो है वो खाने से ही बनता है, और मॉडर्न व्यू क्या कहता है उसी न्यूट्रिएंट को अलग अलग तरह के नाम दिए हैं मॉडर्न ने, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम फूड। तीसरा है, आहार रस इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ग्रहणी इनटू रस रक्त धातु। आहार रस को ही मॉडर्न ने न्यूट्रिएंट्स बोला है, और इंटेस्टाइन को आयुर्वेद में ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एब्जॉर्ब्ड आहार रस इज कैरिड टू हार्ट एंड देन इट इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी। आयुर्वेद कहता है कि जो आहार रस, जो न्यूट्रिएंट्स हैं इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद वो हार्ट में गए और उसके बाद पूरी बॉडी में कैरी हुए। लेकिन मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न भी कहता है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए, लेकिन ये कहता है कि पहले वो न्यूट्रिएंट्स लीवर के पास गए, लीवर में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके बाद वो हार्ट में गए और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुए। तो ये थोड़ा सा लीवर के पॉइंट का डिफरेंस है आयुर्वेद और मॉडर्न व्यू में। फिफ्थ पॉइंट है, अग्नि ऑफ एवरी धातु ट्रांसफॉर्म्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव धातु इनटू स्टेबल धातु। ये क्या कहता है कि हर एक टिश्यूज के अंदर एक अलग तरह की अग्नि होती है जो उन न्यूट्रिएंट्स को एक अलग तरह के सेल्स में ट्रांसफॉर्म करती है। मॉडर्न कहता है, मॉडर्न व्यू कहता है कि हर एक सेल के अंदर स्पेसिफिक लाइसोजाइम्स होते हैं जो उसी तरह के सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर उन लाइसोजाइम्स को, एंजाइम्स को आयुर्वेद ने अग्नि का नाम दिया है, धातु अग्नि का, कि हर एक टिश्यू में एक अलग तरह की टिश्यू अग्नि होती है जो उस तरह के टिश्यूज को बिल्ड करने में हेल्प करती है। सिक्स और लास्ट पॉइंट है, एवरी धातु आइडेंटिफाइज इट्स ओन न्यूट्रिएंट्स एंड बाइंड विद इट सो दैट धातुअग्नि कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्टेबल धातु। मतलब हर एक टिश्यू को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स को लेती है और अपने टिश्यूज का निर्माण करती है। और मॉडर्न क्या क्या कहता है कि सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, हमने सेलुलर सिस्टम ऑफ लेवल में पढ़ा है कि सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ही बाइंड करते हैं और उसी को सेल्स के अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत नहीं है वो चीज़ सेल के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसे ही
आयुर्वेद कहता है कि जिस धातु जिस टिश्यू टिश्यू को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो टिश्यू वो न्यूट्रिएंट टिश्यूज ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ऐसे ही मॉडर्न व्यू भी कह रहा है कि सेल्फ को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो अंदर ले लेंगे, बाकी को अंदर ही नहीं आने देंगे। तो इन दोनों देखो आयुर्वेदिक और मॉडर्न व्यू को इंटीग्रेट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें आयुर्वेदिक जो साइंस है वो अच्छे से समझ में आती है और मॉडर्न को आयुर्वेद के साथ कोरिलेट करने से हमें मॉडर्न साइंस भी और डीपली समझ में आती है। इसलिए इन दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।